हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, उस देश की हर बात निराली है। इस देश को सबसे पहले सूर्य देवता अपना दर्शन देते हैं और ये देश सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। एक ऐसा देश जिसे कहा जाता है ज्वालामुखी का देश, और यहाँ इंसान कम और भेड़ ज्यादा रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत कंट्री है, और सबसे मजेदार बात, इस देश में एक भी सांप नहीं रहता। एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं को पहले वोट दान करने की इजाजत दी गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश न्यूजीलैंड की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि न्यूजीलैंड को बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी, जो की मात्र 48 लाख है। बाकी दूसरे देशों को लोग यहाँ कामकाज करने के लिए रहते हैं। न्यूजीलैंड दो बड़े द्वीपों से बना देश है, एक नॉर्थ आइलैंड कहलाता है और दूसरा साउथ आइलैंड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन देश की 76% आबादी नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जो एक कॉम्पैक्ट शहर है। इसमें रेतीले समुद्र तट, एक कामकाजी बंदरगाह है और आसपास की पहाड़ियों पर रंगीन लकड़ी के घर शामिल है। न्यूजीलैंड की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से 2 भाषाएं अंग्रेजी और माओरी है, और तीसरा भाषा है साइन लैंग्वेज, यानी की सांकेतिक भाषा। जब देश की पॉपुलेशन कम हो तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं देश के लोगों को मिलती है। जी हाँ, न्यूजीलैंड देश में अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ बस एक दिन के अंदर ही सारे पर वर्क हो जाते हैं। मतलब ये कि 24 घंटे या उससे भी कम समय में आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत न्यूजीलैंड में दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार इस देश की महिला दुनिया की सबसे सुखी महिला होती है। जब बात महिलाओं की इज्जत की हुई है, तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की वर्तमान की प्रधानमंत्री का नाम है जैसिंडा अर्डर्न, जो कि एक महिला है। इस देश में मेल एंड फीमेल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं किया जाता। आपकी बात बता दें कि न्यूजीलैंड में पुरुष और महिलाओं की सैलरी के बीच में सिर्फ 5% का फासला है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। तभी कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की महिला दुनिया के सबसे खुशहाल वुमन है। जॉर्जिना बेयर का क्या आपने नाम कभी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बता देते हैं। जॉर्जिना बेयर दुनिया की पहली महिला है जो कि सांसद बनी, और ये न्यूजीलैंड की है। इतना ही नहीं, जॉर्जिना 1999 में ही पार्लियामेंट पहुंच गई थी। तभी तो कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के लोग महिलाओं को लेकर बड़ी एडवांस मेंटालिटी रखते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश को कई लोग सबसे खूबसूरत मुल्क भी कहते हैं। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इस देश की सैर करके आए लोगों के ऊपर हुई सर्वे को पैमाना माने तो पता चलता है कि ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि न्यूजीलैंड को कीवीज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये खाने वाले कीवी नहीं है। कीवी दरअसल एक छोटे पक्षी का नाम है जो न्यूजीलैंड का एक यूनिक चिड़िया है। यहाँ ये माओरी जनजाति के लोग कीवी पक्षी को बहुत सम्मान करते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत शानदार है। यहाँ के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाना खाते हैं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि यहाँ के लोग अपने ही खेतों में अनाज से लेकर फल और सब्जियां उगाते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, फाइनेंस, टूरिज्म और माइनिंग, इनका बिजनेस बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही न्यूजीलैंड में मिल्क डेयरी का भी बहुत बड़ा कारोबार है। आपको बता दें कि यहाँ एक आदमी के लिए एक साल में 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। तो आप अगर न्यूजीलैंड जाए तो खूब सारा मक्खन और चीज खाएं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी का। वहीं ऊन उत्पादन के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से ही पूरी दुनिया का 8% ऊन का उत्पादन होता है। न्यूजीलैंड देश दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में आता है। यहाँ शोषण न के बराबर है, और देश का आगे बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण है। क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों के सभी दृश्यों को न्यूजीलैंड में शूट किया गया था? और तो और, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों के फिल्म मेकर ने देश की अर्थव्यवस्था में लगभग $2 करोड़ का निवेश किया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए एक मंत्री भी बनाया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी खेलना बहुत पसंद है, दरअसल ये उनका नेशनल स्पोर्ट्स है। मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम को मैच से पहले एक वार्म अप के दौरान हाका डांस करते हैं। हाका डांस देखकर ही ऑपोजिशन टीम की हालत खराब हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार देख लीजिए। रग्बी के बाद गोल्फ यहाँ का सबसे पॉपुलर खेल है, और यहाँ लगभग 400 से भी ज्यादा गोल्फ कोर्स है। इसका मतलब होता है कि हर 9000 व्यक्तियों के लिए एक गोल्फ कोर्स, जो विश्व में प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक गोल्फ कोर्स है। लगे हाथ ये भी बता दे कि न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स कल्चर का हमेशा से ही शानदार रहा है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश की कुल आबादी और ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की रेशियो की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड दुनिया का नंबर 1 देश है। न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 48 लाख है, और यहाँ 32 लाख लोगों के पास कार है, जिनमें से 5 लाख लोगों के पास 2 या उससे ज्यादा कार है। फिर भी न्यूजीलैंड के लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल कर वॉक
करने का बड़ा शौक है। कहा जाता है कि देश की कुल आबादी का 84% हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करके जरूर निकलता है। शायद ये भी वजह है कि न्यूजीलैंड को इतना फिट देश कहा जाता है। 2009 तक न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश था। हालांकि अभी भी ये देश उतना ही शांत है, लेकिन रैंकिंग में अब ये देश नीचे आ गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस देश में आपको हिंदुस्तानी लोग भी खूब देखने को मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में इंसान से ज्यादा जानवर रहते हैं। यहाँ एक इंसान के मुकाबले 9 भेड़ है। जी हाँ, आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड में 43 मिलियन से अधिक भेड़े हैं। न्यूजीलैंड एक मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहां पूरे वर्ल्ड में हर साल 6,000 लोग सांप काटने से मारे जाते हैं, वहीं न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है। जी हाँ, इस देश में आपको एक भी सांप नजर नहीं आएगा, और अगर गलती से कहीं सांप दिख भी गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। हमारे देश में तो सपेरे सांपों को खिलौना बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा बीच है जो कि झूठ बोलती है, मतलब कि इस बीच का नाम है तो 90 माइल, लेकिन असल में इसकी लंबाई तो सिर्फ 55 माइल है। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि साल 2006 में ईबे वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया के आइजक बटरफील्ड नाम के एक शख्स ने न्यूजीलैंड देश को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी और अच्छी खासी बोली भी लगने लगी थी। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी वेबसाइट वालों को पता चली, उन्होंने तुरंत ही उस बंदे के अकाउंट को बंद करा दिया। सोचिए जरा कैसे कैसे नमूने होते हो दुनिया में। न्यूजीलैंड दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जहां क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर में किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरह से बैन है। न्यूजीलैंड का क्रिसमस ट्री पोहुतुकावा पेड़ को माना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल निकलते हैं। यहां की मान्यता है कि जो भी इस फूल को अपने घर पर लगाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। यही वजह है कि आप यहां के हर घर में इस पेड़ को देखेंगे। वैसे यहां कोई भी धर्म के नाम पर अपनी दुकान नहीं चला सकते। वैसे देश के मुख्य धर्म है ईसाई। न्यूजीलैंड अपने देश के लिए बहुत ईमानदार है। आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के समय न्यूजीलैंड की कुल आबादी थी सिर्फ 10 लाख, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि उन 10 लाख लोगों में से 1 लाख तो सैनिक ही थे। बाद में ये सभी युद्ध में शामिल भी हुए। सोचिए, देश की आबादी का 10% हिस्सा युद्ध करने चला गया। न्यूजीलैंड के किया नाम के पक्षी की प्रजाति का एक अलग ही आदत है। दरअसल ये पक्षियां कारों से विंडस्क्रीन वाइपर खींचने और खिड़कियों से रबर की हपट्टियों को हटाने के लिए जाना जाता है, और इस नन्ही सी प्यारी चिड़िया की बदौलत कई पर्यटकों को किराए की कार पर नुकसान उठाना पड़ता है। माओरी जनजाति के बारे में हमने पहले भी बताया है कि ये न्यूजीलैंड देश की ही बड़े खतरनाक जनजाति है। कहा जाता है कि ये न्यूजीलैंड के डॉन होता है। इस जनजाति के लोग ज्यादातर क्राइम में लिप्त होते हैं, और न्यूजीलैंड के 60% से ज्यादा लोग जो जेल में है वो इसी जनजाति से है। वैसे बड़े शहरों में यहाँ क्राइम न के बराबर है। माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलारी दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। भाई, इतने बड़े अचीवमेंट के लिए लाइक और कमेंट तो बनता है। दोस्तों, पेंगुइन के सबसे ज्यादा प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन के सबसे पुराने कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही है, जो कि तकरीबन 6,20,00,000 साल पुराना है। अगर आपको है पानी से प्यार तो जानकर खुशी होगी कि न्यूजीलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ आप जहाँ जाएंगे आपको समंदर ही समंदर नजर आएगा। न्यूजीलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से समंदर की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। न्यूजीलैंड सर्फिंग करने वालों के लिए जन्नत माना जाता है। इस देश में कई ऐसे बीच हैं जहाँ आप सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि ये है तो बड़ी खतरनाक खेल। क्या आपने न्यूजीलैंड के ब्लू लेक के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी खासियत बता देते हैं कि ये लेक दुनिया का सबसे साफ सुथरा लेक माना जाता है, और यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप 85 मीटर तक की गहराई को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको पानी के नीचे भी सब कुछ साफ साफ दिखेगा। इस लेक को रोटम एरे वैनुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी स्काई टावर देखा है? अगर नहीं तो जरूर देखिए। दुनिया के दक्षिण भाग पर स्थित ये सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग संरचना है, जिसकी ऊंचाई 328 मीटर है। ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी बता दे कि 1990 में न्यूजीलैंड एक ऑफिशियल नेशनल विजार्ड, मतलब जादूगर अपॉइंट करने वाला दुनिया का पहला आधुनिक देश बना। लगता है यहाँ के लोगों को जादू से काफी लगाव है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और न्यूजीलैंड घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 10 से 11 दिन के अंदर मिल जाएगा, और आपको न्यूजीलैंड घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 65,000 से 1,00,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 49.17 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था खूबसूरत देश न्यूजीलैंड। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट की है आपने इस देश की? और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।